नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। यह महीना शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना है। पूरी माह धार्मिक रीति रिवाजों का तांता लगा रहता है। कई विशेष त्यौहार श्रवण के इस महीने में मनाए जाते हैं। हमारे देश की परंपराएं हमें हमेशा ईश्वर से जोड़ी रखती हैं। फिर उसमें एक दिन का त्यौहार हो या फिर एक महीने का जश्न, सभी का अपना एक महत्व है। यहाँ ऋतुओं को भी पूजा जाता है। वर्षा ऋतु से ही चार महीने के त्यौहार शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन सभी धर्म, जाति और अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं। उसी प्रकार सावन का हिंदू समाज में बहुत अधिक महत्व है। इसे कई विधियों एवं परंपराओं के रूप में देखा एवं पूजा जाता है। हमारे देश में ऋतुओं का समान आकार है। मुख्य तीनों मुख्य ऋतुएं चार चार महीने के लिए आती हैं। सभी का होना हमारे देश की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालता है। भारत देश कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ वर्षा ऋतु का काफ़ी अधिक महत्व होता है और उसमें सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रवण का पुराणों में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कहते हैं रावण ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी एवं भगवान राम ने भी कांवड़ी के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। इस तरह से यह कार्य पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। अतः श्रवण का यह महीना स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है। श्रवण भगवान शिव का अति प्रिय महीना है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सीता ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक शापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए श्रवण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रवण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं।